दोस्तों पांचवें T20 मैच में भारत की बी टीम ने जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ाते हुए सीरीज को अपने नाम कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया, तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी इस नई टीम के दीवाने हो गए। जहां अब खुद रिकी पॉन्टिंग से लेकर स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड से लेकर पैट कमिंस जैसे सितारों ने अब अभिषेक, यशस्वी जैसे खिलाड़ियों को रोहित और कोहली से भी महान बताते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी सबको भूलकर उन्हें सलाम करेंगे। तो आखिर टीम इंडिया की जीत के बाद ऐसा क्या कुछ कहा इन ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ियों ने, उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए उन सब के दिल जीत लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी, रोहित और धोनी में कौन है सबसे खतरनाक छक्के लगाने वाला बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ पांचवें T20 में ऐसा भौकाल मचाया टीम इंडिया ने कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, भारत के यंगिस्तान ने साबित कर दिया, ऐसे ही नहीं कहा जाता, भारत दुनिया में तीन टीमें बनाकर कहीं भी जीत कर आ सकती है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा ब्रिगेड ने इस बात पर अब मुहर भी लगा दी है। जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज में भारत के चार युवा सितारों ने अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू पर ही ऐसा पराक्रम दिखा दिया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। भले ही पहला T20 मैच भारत हार गया हो, लेकिन उसके बाद इन सितारों ने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक ठोककर तीसरा मुकाबला गिल और ऋतुराज के नाम रहा। चौथे T20 में यशस्वी का बोलबाला रहा, तो पांचवें T20 में संजू और मुकेश कुमार के नाम से ही जिम्बाब्वे थर थर कांप उठा और भारतीय टीम ने 4-1 से ये T20 सीरीज अपने नाम करके ऐसा करिश्मा कर दिया कि उनकी ये ऐतिहासिक जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसकी गूंज तो अब सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दे रही है। यहां तक कि बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी भारत की इस नई टीम से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए उनकी खूब तारीफ करी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभिषेक, शुभमन गिल, ऋतुराज, भारत के पास बहुत सारे यंग खिलाड़ियों के विकल्प हैं, इतने तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। मुझे बस इसी बात से कभी कभी जलन होती है, टैलेंट के मामले में इंडिया को कभी भी कोई मात नहीं दे सकता है। मुझे लगता है कि भारत को अब लोन में नए खिलाड़ियों को देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें ना ही कोई इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस था और ना ही कोई तजुर्बा, फिर भी जिम्बाब्वे जैसी महान टीम को इन्होंने इतनी आसानी से हरा दिया, ये अपने आप में अनबिलीवेबल है और सच में ये करिश्मा केवल भारत ही कर सकता है। तो वहीं पर ट्रेविस हेड की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कह डाला, बो डाउन टू फ्यूचर ऑफ इंडिया। सच कहूं तो जब पहले T20 भारतीय टीम हारी थी तो मुझे लगा कि ये सीरीज जिम्बाब्वे जीतेगी, लेकिन इस टीम ने मेरी और सबकी उम्मीदों से 100 गुना बेहतर प्रदर्शन किया, सलूट है उन्हें। टीम इंडिया को प्राउड होना चाहिए कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतने बेखौफ अंदाज में खेल सकते हैं। मैं अब इस यंग टीम के सामने खेलने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि इन खिलाड़ियों में कितनी ताकत है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया को बीट कर पाएंगे। टीम इंडिया को इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। तो वहीं पे स्टीव स्मिथ ने कह दिया, इसीलिए तो इंडिया के टैलेंट की इतनी तारीफ की जाती है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, चाहे अभिषेक शर्मा की सेंचुरी हो, चाहे कप्तान गिल की बैटिंग हो या यशस्वी जायसवाल और संजू की पावर हिटिंग की बात क्यों ना हो रही हो। उन्होंने जिम्बाब्वे जैसी बड़ी टीम को ऐसे हराया जैसे उनसे खिलवाड़ कर रहे हो, और ये सब IPL का ही नतीजा है। IPL में इन सब ने इतनी बेहतरीन खतरनाक बैटिंग करी थी कि उन्हें इंटरनेशनल मुश्किल लगा ही नहीं, और इंडिया बी टीम ने इतिहास लिख दिया। सच में टैलेंट के मामले में इंडिया का कोई सानी नहीं है, कोई मैच नहीं है। तो वहीं पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अब ये कह दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुश होना चाहिए या डरना चाहिए, मैं अभी भी पूरी तरीके से हैरान हूँ, भारत की मुख्य टीम का कोई भी खिलाड़ी यहाँ नहीं था, फिर भी वो 4-1 से ये सीरीज जीत गए। आखिर हो भी क्यों ना, यदि यशस्वी, अभिषेक और संजू जैसे खिलाड़ी मैदान में रहेंगे तब तो गेंदबाजों का करियर ही खत्म हो जाएगा, और यही तो इस सीरीज में देखने को मिला। मैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारत जैसे खिलाड़ी दुनिया में कहीं नहीं है, ये भारत के लिए वरदान है। हमें भी टीम इंडिया से कुछ सीखना चाहिए और ऐसे ही अपने युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। तो दोस्तों सच में सभी भारत और हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद खुश हैं, उन्हें दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अब यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम को मिली जीत में तो दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान।
जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई टी20 सीरीज में भारतीय टीम को शानदार जीत मिल गई है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर सुनील गावस्कर, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की सीरीज जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग और रिकी सिंह में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई टी20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम ने एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया। दरअसल इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर में 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इसका पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। जहां भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को अपने नाम कर लिया, जिसको देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस सीरीज में मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने इस सीरीज के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने इस सीरीज के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है और बताया है कि कैसे ये टीम के युवा खिलाड़ी आने वाले समय में सीनियर खिलाड़ियों की जगह को पूरी तरीके से भर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में सभी गेंदबाज और बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर ये सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं देते तो शायद इस सीरीज के अंदर भारतीय टीम को जीत दर्ज करने में दिक्कत महसूस होती। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस सीरीज के अंदर शानदार कप्तानी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तीनों में चलते जीत मिली है। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी ही नहीं की बल्कि अपनी शानदार कप्तानी से सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में शुभमन गिल के शानदार प्रदर्शन को देखकर हर कोई खुश महसूस कर रहा था। हालांकि इनका साथ यशस्वी जायसवाल ने बेहतर तरीके से दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए जिस प्रकार से दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए जीत की भूमिका अब इस सीरीज में अदा करते हुए दिखाई दिए हैं, उसी के कारण अब इस भारतीय टीम को बुरी तरीके से हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस सीरीज के अंदर शानदार प्रदर्शन के चलते जीत मिल गई है। हालांकि भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने के बाद आराम दिया गया था, लेकिन भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने जो शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित किया है, वो तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि यहां भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों के चलते जीत दर्ज करने के लिए मैदान पर आई थी और आगे भी जीत दर्ज करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इन खिलाड़ियों के पास बड़ी काबिलियत मौजूद है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस मैच में शानदार जीत मिल गई है। भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर संजू सैमसंग ने तो बेहतर बल्लेबाजी की है, साथ ही में भारतीय टीम के गेंदबाज ने बेहतर गेंदबाजी की है, जिसके चलते भारतीय टीम को इस सीरीज के अंदर जीत मिल गई है। हालांकि सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है, जिन्होंने पिछले दो मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखा दी है। साथ ही में सभी गेंदबाजों ने भी बेहतर गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई है, जो बताता है कि भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह भारतीय टीम में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और भारत को चैंपियन एक बार फिर से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम के सीरीज में जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का अंतिम यानी कि पांचवा टी20 मैच हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। सिकंदर रजा की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद एम्पायर ने उस गेंद को नो बॉल करार दिया। फिर क्या, भारतीय टीम के लिए तो ये सोने पर सुहागा था। बिना गेंद के भारतीय टीम का स्कोर 7 रनों तक पहुंच चुका था। फिर सिकंदर रजा के ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से जायसवाल ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए एक और छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 13 रन के स्कोर पर लगा। जायसवाल
टीम के लिए 5 बॉल पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आ गए नए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। भारतीय टीम का स्कोर 15 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर बन गया,